बच्चों मैंने पूरा यहाँ तक ये पढ़ा लिया था, देखो यहाँ से स्टार्ट करके और पूरा ये सारा मैटर पढ़ा लिया मैंने। फिर वापस जब कैमरा देखने गई तो देखा तो कैमरे में ना पूरा ब्लर आ रहा था। वापस से फिर स्टार्ट कर रही हूँ और उसी चीज़ को जो अभी अभी मैंने पढ़ाया समझाया वापस से फिर आपको समझा रही हूँ। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसलिए ना बीच बीच में मैं जा करके कैमरा चेक करती रहती हूँ। बच्चों हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर देखो चल रहा है क्लास 10th का, और इसमें पार्ट 2 हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये सब समझाते हुए और मैं लिखते लिखते तक वहां तक पहुंची थी। अब लेकिन वापस से फिर एक बार बोल रही हूँ, अभी जस्ट पढ़ाया और फिर वापस से उसी चीज को पढ़ाना पड़ रहा है। देखिए ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। कल हमने कार्बन में कोवेलेंट बॉन्ड तो पढ़ लिया था, अच्छी तरीके से समझ लिया था, लेकिन ये कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कौन कौन सा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, है ना, 3 प्रकार का ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे, एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करने से बनता है। ठीक है, एक एटम है दूसरा एटम है, दोनों ही क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, तब जाकर के बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग हुई तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, अगर दो दो इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग हुई तो डबल बॉन्ड बनेगा, और अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग होता है तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है, यहां तक ये हो गया है ना। अब उसके बाद हम आ जाते हैं Cl2 पर। Cl2 एक एग्जाम्पल लेकर के हम चल रहे हैं। अब देखो सबसे पहले हम आते हैं Cl2 पर। अब देखो मैं बार बार कैमरा देखती रहूंगी, हम आते हैं सबसे पहले Cl2 पर। तो Cl2 का Cl2 को ना हमने अलग अलग कर दिया, एक Cl कहीं और है, दूसरा Cl कहीं और है। ठीक है, और ये देखो जो Cl ये है ना, जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन कहीं का भी हो, कहीं का भी ये क्लोरीन है, इस क्लोरीन को गॉड ने 17 इलेक्ट्रॉन्स दे रखा है। ठीक है, चाहे ये क्लोरीन कहीं का भी हो, अमेरिका का हो, इंडिया का हो, या फिर इंडिया में भी अलग अलग स्टेट का हो, केरला का ले लो, चाहे एमपी का ले लो, चाहे यूपी का ले लो, ठीक है, चाहे आप बहुत बड़ी किसी जात पात में जैसे डिवाइडेड हैं, है ना, तो बड़ी जाति का ले लो, छोटी जाति के घरे का क्लोरीन ले लो, या फिर धर्म पे के नाम पे अगर आप देखो तो किसी भी धर्म के घर में जाओ आप, कोई भी किसी भी धर्म का रहने वाला इंसान है, उसके घर में भी जो क्लोरीन मिलेगा उस क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। यानी कि गॉड की तरफ से कोई पार्शियलिटी नहीं है, पूरी धरती पर अगर क्लोरीन आपको कहीं भी मिलता है तो उस क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, और ये 17 इलेक्ट्रॉन्स गॉड ने दिया है। ठीक है, और गॉड ने 17 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन को देने के बाद अब इसका एक टास्क भी बताया कि इन 17 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन्स तुम अपने पहले रूम में रखोगे। ठीक है, जैसा गॉड ने बोला है वैसा ही इन क्लोरीन को करना पड़ता है। उसके बाद सेकेंड वाले रूम में तुम 8 इलेक्ट्रॉन्स को रखोगे, और उसके बाद थर्ड वाले रूम में तुम्हारे जितने बचेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स तुम रख दो। तो 8 और 2 10 17 इलेक्ट्रॉन टोटल इसके पास थे, तो 2 यहाँ रख दिया, 8 यहाँ रख दिया, 10 हो गया, बच्चे कितने, 7 इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया है, 7 इलेक्ट्रॉन्स को इसने लास्ट वाले रूम में रख दिया। ये वाला जो लास्ट वाला रूम है ये रूम कहलाएगा इसका वैलेंस सेल। ठीक है, लास्ट वाले रूम को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल बोलते हैं। ठीक है, और सेम यही सिचुएशन इसकी भी है, इसने भी 17 इलेक्ट्रॉन्स इसको भी मिले थे गॉड की तरफ से, इसको भी वही इंस्ट्रक्शन मिले थे कि भाई पहले वाले में तुमको 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन रखना है, इसने भी रख लिया। और ये लास्ट वाले रूम को वैलेंस सेल बोल सकते हैं या आउटर मोस्ट सेल बोल सकते हैं, जो मैं रूम रूम बोल रही हूँ ना, रूम को सेल या ऑर्बिट बोला जाता है। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में यानी कि वैलेंस सेल में इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, लास्ट वाले में इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो इस तरीके से इन्होंने कर लिया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन, इन्होंने भी कर लिया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन का मतलब ही होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को रूम में बैठाना, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन। तो सारे 17 इलेक्ट्रॉन्स को उनके उनके रूम में सेटल कर देना, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन कर देना। और ठीक है, इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन हो गया, इस भी क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन हो गया, ये क्लोरीन इस क्लोरीन को जानता नहीं है, एक क्लोरीन कहीं और का है, दूसरा क्लोरीन कहीं और का है, एक लंदन का क्लोरीन है, एक इंडिया का क्लोरीन है। ठीक है, ये दोनों क्लोरीन एक दूसरे को जानते नहीं है, लेकिन दोनों की सिचुएशन सेम टू सेम है। और एक और बात है ना, दोनों ही बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आंखों से बहुत सारा आंसू निकल रहा है, बहुत ज़्यादा। देखो ये भी बहुत ज़्यादा दुखी है, आंखों से इसके बहुत सारे आंसू निकल रहे हैं। अब हमने पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों हो, तुम्हारे दुख के पीछे का क्या कारण है, तो कारण ये बताते हैं कि हम बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हैं, यानी हमको सर्दी जुकाम ये वो ताम झाम जितनी बीमारियां हैं ना, वो सारी बीमारियां हमारे शरीर में लगी हुई हैं, हम बहुत ज़्यादा रोग से ग्रसित हैं, इस वजह से हम दुखी हैं। ठीक है, तो रोग से ग्रसित ये भी है, रोग से ग्रसित ये भी है। हमने पूछा ऐसा क्यों है ना, रोग से ग्रसित हो क्यों, तो ये कहते हैं कि हमारा जो ये लास्ट वाला है ना, उसमें गॉड ने अगर हमको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दे दिया होता
तो शायद हम रोग से ग्रसित न होते, हमारी निरोगी काया होती। लेकिन लास्ट में यहाँ पर गॉड ने हमको अटका दिया, 7 इलेक्ट्रॉन दिया है गॉड ने और बोला है कि 1 इलेक्ट्रॉन अब तुमको खुद व्यवस्था करनी पड़ेगी, अपना दिमाग लगाओ और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन कमाओ, कमाने के लिए हमको छोड़ा है गॉड ने। तो 1 इलेक्ट्रॉन हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कमाना पड़ेगा। और अगर जब तक हमारे पास यहाँ लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाता हमको, मतलब यहाँ पर 7 तो हमारे पास है, 1 मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जब तक 8 नहीं होता है तब तक हम ऐसे ही रोते रहेंगे, बीमारियों से ग्रसित रहेंगे। और जैसे ही हमको 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाता है तो 7 और 1 मिलकर के 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 होते ही हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और हमारे सारे रोग जो है वो एक छू मंत्र गायब हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि हम बीमार हैं, मतलब आप हमको बोल सकते हैं कि हम अभी अनस्टेबल हैं। ठीक है, हम क्या हैं, अनस्टेबल हैं। ओके, अब ये वाला क्लोरीन इंडिया से रवाना हुआ, ठीक है, फ्लाइट पकड़ा, उसी फ्लाइट में ये वाला क्लोरीन भी मिल गया इसको। ठीक है, लंदन वाला क्लोरीन और इंडिया वाला क्लोरीन दोनों मिले और दोनों के बीच में बातचीत होने लगी। इसने बोला कि मेरी भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन है, बहुत दुर्गति है मेरी। इसने बोला सेम टू सेम जो सिचुएशन तुम्हारी है वही सिचुएशन मेरी भी है। ठीक है, दोनों एक ही जैसे हैं। तो ये वाला क्लोरीन, इसने थोड़ा सा दिमाग लगाया अपने, इसे अपने आंसुओं को पोंछा और थोड़ा सा इसने दिमाग लगाया। इसने कहा कि भाई मैं, देखो मैं क्या करता हूँ, ऐसे बैठ जाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ आकर के ऐसे बैठ जाता हूँ भाई, मैं अब देखो बार बार चेक करती रहूँगी क्योंकि ऐसा ना हो कि पूरा पढ़ा लूँ और ये जो है ना चले ही ना। देखो इसने बोला कि मैं ना यहाँ पर आकर के बैठ जाता हूँ, ये लो ये रहा मेरा एटम। ठीक है, मैंने अपने एटम को यहाँ पर बैठा लिया और ये मैं बैठ गया क्लोरीन। अब ये मेरा एटम है और मैं अपने आउटर मोस्ट यानी कि वैलेंस सेल को केवल यहाँ पर शो कर रहा हूँ। ये मेरे बाहर वाला सेल है, ये वाला, ठीक है, तीसरे नंबर वाला सेल बाहर वाला है और बाहर वाले में कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ रखे, 2 यहाँ रखे, 2 यहाँ रखे और 1 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ रख रहा हूँ। और इसने इस वाले क्लोरीन को कहा कि तू भी ऐसा ही कर, है ना, तू भी आ जा। इस वाले क्लोरीन को बोला कि तू भी आ जा, अपने एटम को इधर थोड़ा खिसका, ठीक है, तू भी मेरे जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को भर ले, 2 इलेक्ट्रॉन यहां 2 इलेक्ट्रॉन यहां 2 इलेक्ट्रॉन यहां और 1 इलेक्ट्रॉन यहां रख लो। ठीक है, अब 1 इलेक्ट्रॉन यहां रख लिया और ये चीज जैसे ही हुआ वैसे ही इनकी बीमारी ना एक छू गायब हो गई और ये अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छा महसूस करने लगे क्योंकि लॉन्ग टाइम से ये बीमार थे, अब इनकी बीमारी गायब हो गई। ठीक है, एकदम स्टेबल हो गई ये और बहुत अच्छा महसूस करने लगे कि अरे वाह, निरोगी काया हो गया, चेहरे पे बहुत बड़ी बड़ी स्माइल आ गई इनके। ऐसा क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे ये निरोगी हो गए? तो इस एटम ने कहा कि मैं जरा अपने अंदर देखूं। ठीक है, तो अपने अंदर इसने देखा तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाई दिया, 2 यहाँ दिखाई दिया, 2 यहाँ दिखाई दिया, कितने हुए, 6। और इसको इसके अंदर अंदर में देखो तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन दोनों क्या इसी गोले में नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं ना, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसको अपने गोले में दिखाई दे रहे हैं। तो इसके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। ठीक है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये भी फिर ये इसने इसको बोला कि तू भी जरा अपने सर्कल के अंदर देख, है ना, तो इसने भी देखा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां 2 यहां 2 यहां 6। और इसने अपने गोले में देखा तो इसके गोले में ये और ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी कि इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। यानी कि दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से ये अपने आप को स्टेबल महसूस कर रहे थे और ये निरोगी हो गए थे बिल्कुल, है ना, और एकदम स्माइल इनके चेहरे पे आ गई। अब देखो हुआ क्या, हुआ ये कि इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहां रखा और इस क्लोरीन को भी बोला कि तू भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहां रख, है ना, मेरे सामने रख, सामने इसलिए रखो क्योंकि ये मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन ना दाव पे लगा रहा हूं, शेयरिंग में लगा रहा हूं, तो तू भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दाव पे लगा। ठीक है, तो इसने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयरिंग में लगा दिया। देखो शेयरिंग में हमेशा इक्वालिटी रहेगी, अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये यहां पर शेयरिंग में लगाता है तो दूसरे साइड वाला भी 1 इलेक्ट्रॉन ही लगाएगा शेयरिंग में, अगर ये इधर से 2 इलेक्ट्रॉन लगाता है तो वो भी 2 इलेक्ट्रॉन ही लगाएगा। जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और मान लो कि 2 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो पार्टनर, 2 पार्टनर हैं तो पहला पार्टनर 1 लाख रुपए लगाएगा, दूसरा पार्टनर भी 1 लाख रुपए लगाएगा और बिजनेस स्टार्ट होगा। उसके बाद जो भी इनकी प्रॉफिट होगी उस प्रॉफिट को भी ये क्या करेंगे, हाफ हाफ डिवाइड कर लेंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग। तो जब भी शेयरिंग
पेयरिंग होगा तो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं दाव पे लगा रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, तो एक इलेक्ट्रॉन तुम भी शेयर करो। तो यहाँ दोनों ने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, और जैसे ही दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, दोनों का ही ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और यहाँ पर बना क्या, एक बॉन्ड बना। ठीक है, अगर मैं इसको दिखाऊँ तो कुछ मैं ऐसे दिखा सकती हूँ कि ये क्लोरीन है, इसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, और इसका अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, और ये रहा दूसरा वाला क्लोरीन। ठीक है, मैं दूसरे वाले क्लोरीन को अगर दिखाऊं तो ये रहा दूसरा वाला क्लोरीन, उसका देखो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसका वाला इलेक्ट्रॉन ये रहा। ठीक है, कुछ ऐसे दिखा सकती हूँ, और इसको मैं बॉन्ड से भी दिखा सकती हूँ कि ये दोनों क्या है, बंध गए, एक दूसरे के साथ जुड़ गए, अब अलग नहीं हो सकते, तो एक बॉन्ड बन गया है दोनों के बीच में। बॉन्ड का मतलब जुड़ना। ठीक है, एक धागा कुछ बना जो कि दोनों को जोड़ दिया, तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया है। इसको और आप दिखाना चाहें तो कैसे दिखा सकते हैं, हम इसको दिखा सकते हैं सीएल, सिंगल बॉन्ड सीएल। ठीक है, और ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड में क्या हुआ है, शेयरिंग हुआ है, हुआ क्या है, शेयरिंग हुआ है, इसलिए इस बॉन्ड का नाम क्या होगा, इस बॉन्ड का नाम होगा कोवेलेंट बॉन्ड। यहां पर कितने एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग हुआ है, एक एक इलेक्ट्रॉन से, इसलिए यहां पर जो बॉन्ड बना वो बॉन्ड कौन सा था, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और इस तरीके से अब ये हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ हो गए और इनका नाम हो गया Cl2। ठीक है, तो ये क्या है, क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस आपने सुना होगा, तो ये क्लोरीन गैस के रूप में हमेशा के लिए अमर हो गए। अब जहां भी पाए जाएंगे ये दोनों हमेशा साथ ही रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से साथ रहते हैं और दोनों स्टेबल रहते हैं, दोनों खुश रहते हैं। समझ में आ गया आपको, तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है सिंगल बॉन्ड का। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों डबल बॉन्ड का। उससे पहले एक बार आप इसको पूरा कॉपी कर लीजिए, ओके, एक बार आप इसको पूरा नोट कर लो वीडियो पॉज करके। अब हम आते हैं, देखो सेकंड एग्जांपल अब मैं ले रही हूँ जो कि क्या होगा, डबल बॉन्ड का। अब फटाफट डबल बॉन्ड वाली स्टोरी एक बार देख लो। देखो डबल बॉन्ड वाली स्टोरी में एग्जांपल ले लेती हूँ मैं O2 का, ओके अब देखो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही, एक ऑक्सीजन यहाँ है, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ है, उसको खुद को पता नहीं है, है ना, दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं। गॉड की तरफ से इस ऑक्सीजन को मिला है 8 इलेक्ट्रॉन, इस वाले ऑक्सीजन को भी नो पार्शियलिटी 8 इलेक्ट्रॉन ही मिलेंगे। अब इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन किया, यानी कि जो इनके पास इलेक्ट्रॉन्स है उसको रूम में सेट करना पड़ेगा। पहले रूम में 2 इलेक्ट्रॉन सेट करेंगे, जो बचेगा उसको दूसरे रूम में, तो बचा कितना, 8 में से 2 यहाँ रख दिया तो बचे 6 इलेक्ट्रॉन्स, उसको यहाँ रख लिया। ठीक है, यहां पर भी देखो पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 6 रख लिया। अब क्या ये खुश है, नहीं बिल्कुल भी ये खुश नहीं है, ये अनस्टेबल है और बहुत ज्यादा बीमार है। ठीक है, बीमार है ये, और ये क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। रो इसलिए रहे हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, है ना। यहां पर लास्ट में, लास्ट को हम क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल यानी कि वैलेंस सेल बोलते हैं। वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यानी कि वैलेंस सेल में क्या होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। क्या ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं। कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। गॉड ने इनको 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिया होता तो ये स्टेबल हो गए होते, बट दिया नहीं है। गॉड ने बोला है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तुमको अपना दिमाग लगा के खुद कमाना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी इसके पास भी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी इसके पास भी है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अब करेंगे क्या, दोनों की वैसे ही फ्लाइट में मुलाकात होती है, ये अपना सिचुएशन बताता है, ये अपना सिचुएशन बताता है, तो ये कि अपना दिमाग लगाता है, कहता है रुको मैं बता रहा हूँ ऐसे कर लेते हैं, है ना। तो ये देखो ये ऑक्सीजन यहाँ पर बैठ गया, ऑक्सीजन ने अपना ये एटम बना लिया, एटम का आउटर मोस्ट सेल यानी कि ये वाला लास्ट सेल इसने दिखाया, और लास्ट में इसने 6 इलेक्ट्रॉन, देखो 2 की जरूरत है ना, जितने की जरूरत है उतना इलेक्ट्रॉन ये दाव में लगाएगा। ठीक है, जरूरत कितने की है, 2 की है, तो 2 को दाव में लगा दिया और जो बचेंगे उसको साथ साइड में रख लिया, तो 2 को तो रख दिया इधर, और बचे कितने, तो 2 में 6 में से 2 यहां आ गया, तो बचे कितने, 4, 4 को इसने रख लिया इधर साइड में। ठीक है, और इसने दूसरे वाले ऑक्सीजन को, इस ऑक्सीजन को भी बोला कि तुम भी ऐसा ही कर लो जैसा मैंने किया है, तुम भी अपना एटम ऐसे लेके आओ, ओके, और मैंने 2 दांव में लगाए हैं ना, तो तुम भी 2 इलेक्ट्रॉन से ही दांव में लगाओ, 2 इलेक्ट्रॉन तुम भी दांव में लगा लो और बाकी इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लो। अब जैसे
जैसे ही ऐसा हुआ दोनों के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आई, बहुत ही बड़ी सी स्माइल आई। और बताओ क्यों? क्योंकि जब इस ऑक्सीजन ने अपने आप को देखा तो दो दो चार, और इसी के सर्कल के अंदर ही ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो दो दो चार दो छः दो आठ, ऑक्टेट कंप्लीट, दो दो चार दो छः दो आठ, ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। और ये दो दो इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग हुआ है तो बॉन्ड कैसा बना है? डबल बॉन्ड। अब ये ऑक्सीजन रहा और ये ऑक्सीजन है ना, दोनों ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड कैसा बना? डबल बॉन्ड बना, और हमेशा हमेशा के लिए दोनों एक दूसरे से अब जुड़ चुके हैं, ठीक है। O2 गैस, एटमॉस्फेयर में जो O2 गैस है वो यही है, यही है, ऐसे ही बना है ये O2 गैस, ठीक है। तो ये अप एरो का मतलब होता है गैस, तो O2 गैस यहाँ पर बन करके रेडी हो गया। अब ये हमेशा हमेशा के लिए साथ में ही रहेंगे, आपके शरीर के अंदर भी जब जाते हैं, जब आप सांस लेते हैं आपके शरीर के अंदर भी जाते हैं तो भी ये एक साथ ही जाते हैं, अलग अलग होके नहीं जाते हैं, दोनों ऑक्सीजन एक साथ ही जाते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा हमेशा के लिए एक साथ हो गए और दोनों का ही ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इस ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनको क्या करना पड़ा? तो इनको इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ी। कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया इन्होंने? दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया। अगर दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया है तो बॉन्ड कितने बनेंगे? डबल बॉन्ड बनेगा। क्या दोनों ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं बना है? बना है। और इस तरीके से ये बन गया एक कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है ये। ये क्या है? कंपाउंड तो नहीं है, ये है कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस तरीके से ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल बन करके तैयार हो गया, जिसके अंदर दो कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको एक बार नोट कर लें, उसके बाद हम लोग देखेंगे एक ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल। ओके बच्चों, चलिए अब देखिए, अब हम आते हैं बिल्कुल इसी तरीके से एक ट्रिपल बॉन्ड के एग्जाम्पल पर। तो ट्रिपल बॉन्ड के एग्जाम्पल के लिए मैं क्या ले लूँ? देखो, इसके लिए मैं ले लेती हूँ, ट्रिपल बॉन्ड के एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेती हूँ N2 को, ठीक है। अब मैं ज़्यादा स्टोरी नहीं बताऊँगी, फटाफट करेंगे। देखो, इसमें एक नाइट्रोजन को अलग करो, दूसरे नाइट्रोजन को अलग करो, इस नाइट्रोजन को 7 इलेक्ट्रॉन मिला है, इसको भी 7 इलेक्ट्रॉन मिला है, इसका हो जाएगा 2 और 5, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन 2 और 5, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको भी चाहिए, है ना, वर्ड याद रखना कि दोनों को ही चाहिए, या मतलब दोनों को ही नीड है, दोनों को रिक्वायरमेंट है, चाहिए, है ना। इसको कितना चाहिए? इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों को अगर 3-3 मिल जाता है तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे? ये शेयरिंग करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स से? 3-3 इलेक्ट्रॉन से। ये रहा नाइट्रोजन, ठीक है, ये देखो, ये वाला नाइट्रोजन रहा और ये रहा दूसरा वाला नाइट्रोजन, ओके। इस नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए था, तो जितना चाहिए उतना पहले आपको दांव में लगाना पड़ेगा। तो इसको 3 चाहिए तो 3 पहले दांव में लगाना पड़ेगा, इसको भी 3 चाहिए तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? दांव में इसके सामने 3 लगाना पड़ेगा। दोनों की शेयरिंग क्या होगी? बराबर होगी। 3 इसने यहां लगा दिया, लास्ट वाले में से 3 यहां लगा दिया, तो बचा इसके पास कितना? 2 बचा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने रख लिया अपने पास, ठीक है। इसने भी 3 में से क्या किया है? 5 में से 3 यहां लगा दिया, तो बचे कितने इसके पास? 2, 2 को इसने रख लिया इधर, ठीक है। क्या इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? बिल्कुल हो गया कंप्लीट। इसके सर्कल के अंदर देखो तो 3 और 3 6 और 7 8, 8 कंप्लीट है। इसके सर्कल के अंदर देखो, है ना, तो यहाँ पे 6 तो यही हो गया और 6 और 2 8, 8 कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे बॉन्ड क्या बना है बच्चों? बॉन्ड बन गया है 3, है ना, तो 3 बॉन्ड बना है, एन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया और ये बनके तैयार हो गए N2, ठीक है। हमेशा हमेशा के लिए ये N2 गैस बन करके तैयार हो गया, और यही N2 गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में 78% पाया जाता है, ठीक है। तो ये 78%, और ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 21% ऑक्सीजन पाया जाता है और 78% पाया जाता है N2 गैस, है ना। तो अब ये N2 गैस बन के रेडी हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड बना है। ये बॉन्ड कैसे बना है? 3-3 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना है, तो इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रिपल बॉन्ड तो ये है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड किस प्रकार का ट्रिपल बॉन्ड है? तो हम बोलेंगे कोवेलेंट ट्रिपल बॉन्ड है। और ये मॉलिक्यूल कैसा कहलाएगा? तो ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोवेलेंट ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड क्यों कहेंगे? क्योंकि ये बॉन्ड शेयरिंग से बन रहा है, ठीक है, डन, है ना। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इन तीनों का मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल समझा दिया, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बच्चों, बारी है किसकी? होमवर्क की, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क, ठीक है।
चलिए आपको ये करके लाना है पहला, और नहीं करोगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपको पहले बनाना है H2O, दोनों को सेटिस्फाइड करना है। ध्यान रखना एक विशेष बात का कि हाइड्रोजन जो होता है ना हमारा, वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता है। गॉड ने इसको बोला है कि तुम ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लो, यानी इसके पास एक तो है ही, एक इसको केवल और कहीं से मिल जाएगा तो इसका दो कंप्लीट हो जाएगा, तो ये निरोगी हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है वो ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है, लेकिन ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला। अब ये देखो दूसरा आपको करना है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तीसरा आपको बनाना है H2O2, मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड, है ना। चौथा आपको बना के लाना है, वो क्या है, वो है NH3, अमोनिया। ठीक है, पांचवा आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है C2H4। ठीक है, छठवां एग्जाम्पल C2H2। ठीक है, छः हो गया, सात, सातवां मैं आपको क्या दे दूँ, H2 और एट वाले में आप ले लो एग्जाम्पल सिर्फ जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड हो, और मैं मुझे याद करने दो और कौन सा दे सकती हूँ मैं आपको, हाँ HCl ले लो, HCl। ठीक है, एट हो गया, नाइन, दो चार और देना चाह रही हूँ, HCl हो गया, हाँ अब आप ले लो, नहीं ये नहीं कर पाओगे, P4 नहीं कर पाओगे आप, HCl N2 आपके बुक में तो देखो जो है ना वो सब मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, इतने ही दे रखे थे इसमें, अब आप ले लो एक ये ले लो CCl4 और 10 वाला ले लो PCl3। ठीक है, इन सब का स्ट्रक्चर बनाना है बच्चों, और ऑक्टेट कंप्लीट करवाना है और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट करवाना है। ठीक है, निरोगी बनाना है। बाकी हाइड्रोजन को छोड़ करके अभी फिलहाल में मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ हाइड्रोजन है जो कि ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा, बाकी सब ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, कैसे शेयरिंग होगी, वो सारा स्ट्रक्चर बना करके आपको बताना है। अगर आपने सारे बना लिए तो कॉमेंट में बस इतना लिख देना कि I have done all। ठीक है, I have done all, है ना, मैंने सारे कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब 10-10 आपका कंप्लीट हो गया, ये चीज जरूर लिख देना बच्चों। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके, हैव नाइस डे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हमारा Part 3, इसमें अब कार्बन एंड कंपाउंड को आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, हैव नाइस डे।